हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो एक बार क्या, मैं आज से 4-5 महीने पहले जयपुर आया था, तो उस टाइम व्लॉगिंग नॉर्मल चल रही थी, ऐसा नहीं चल नहीं रही थी, चल रही थी। तो उस टाइम के दौरान क्या, मेरे को एक भाई मिला जयपुर से, नॉर्मल मुलाकात हुई थी। वो भाई फ़ोन लेके बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को लगा कि कोई व्लॉगर है। तो मैंने पूछा कि भाई व्लॉगिंग करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा नॉर्मल मैं भी करता हूँ। तो उस टाइम हमारी मुलाकात मेट्रो में हुई थी थोड़ी सी, और फिर मेट्रो में उस टाइम उनके 1600 समथिंग सब्सक्राइबर थे और मेरे 250 थे, ऐसा कुछ था। तो थोड़ी सी मुलाकात हुई और हम चले गए अपने अपने रास्ते, हमारा चैनल का आदान प्रदान हुआ, तो हम एक दूसरे से जुड़े रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम जो मैंने व्लॉगिंग नहीं, मतलब मैंने उस टाइम का व्लॉग नहीं बनाया था और उस भाई ने बनाया था, तो ये जो क्लिप चल रही है ना, ये मतलब उस टाइम की है। तो मैं भी, आपने देखी होगी, मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट भी की थी। तो उसके बाद मैं मेरा काम में लग गया, वो भाई अपने काम में। तो अभी मैं क्या है सोचा कि जयपुर चलते हैं। तो जयपुर चलने के दौरान मेरे को याद है कि यार उस भाई से मिलना है, क्योंकि उस भाई की बड़ी तरक्कियाँ, वो उसने लोगों को इतना बोला ना कि आप सबको तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे, तो उसकी खुद की तरक्की और खुशियाँ आ रही है। तो मैंने सोचा यार चलो मिल के आते हैं। तो भाई को मैसेज किया कि चल भाई मिलते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जा, ऐसा नहीं कि भाई मैं बिजी हूँ ये हूँ ना, सीधा के आ जा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ गया। तो बस आज फिलहाल उसी भाई से मिलने आया हूँ, और उन इतना जो मैंने बखान किया है अब तक का उस भाई के लिए किया है, तो बस उसी से मिलवाने आया हूँ और बता देता हूँ उस भाई को। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ये भाई साहब, और भाई का अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत खुशी हुई। पहले मिले तब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब भाई हमारे लिए इतनी दूर मिलने हैं, बहुत खुशी है भाई। थैंक यू। तो क्या बोले, मतलब खुशी के मारे, हाँ मतलब समटाइम्स होता है कि निकल नहीं पाता, बाकी अभी ये हो जाता है कि निकल नहीं पाता, लेकिन इन इन भाई साहब का ये चैनल जो आ रहा है, ये इन भाई साहब का चैनल है, और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आप देख लेना, हम दोनों भाइयों को बोलने का तरीका आप देख लेंगे, हम दोनों को भाइयों को काफी सपोर्ट कर देना। हाँ बाकी इनका मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ। ये भाई साहब है रितेश बिश्नोई, और इनका जो व्यक्तित्व है इनके यूट्यूब चैनल के नाम के अनुसार ही फियरलेस है। तो ये आ रहा है चैनल का नाम, तो फियरलेस रितेश बिश्नोई गंगानगर से हैं, और गंगानगर से आपको मेरे बहुत मतलब खास टीचर भी रहे। अच्छा अच्छा, वो भी बिश्नोई थे। अच्छा, इंद्र जी बिश्नोई। इंद्र जी बिश्नोई कहाँ पे, डेल मागे? अब वो मेरे को कन्फर्म पता नहीं, लेकिन तो बाकी तो भाई से मिलने आया हूँ, तो बाकी देखो थोड़ा बहुत आगे शूट होगा तो होगा, बात करते हैं। जरूर होगा भाई, हम बाहर जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जाके मैंने सोच रखा था कि यार एक कहीं के साथ व्लॉग बनाएंगे। जरूर जरूर जरूर, आज बनाएंगे और अभी बनाएंगे, चलेंगे कहीं भी चलेंगे, लेकिन चलेंगे ऐसा ही क्या। तो देखो अभी दोनों के ब्लॉग देखते रहिए, दोनों के ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा अलग कंटेंट होगा आज के दिन का भी, तो दोनों तो आपको खूब मसाला देखने को मिलेगा आज। बाकी तो अभी थोड़े थके हुए हैं, तो थोड़ा शब्द भी कम निकल रहे हैं, बाकी देखो बाद में बात करते हैं। तो भाई साहब ये हमारे रितेश भाई, ठीक है, इनके ना कई दफा एक समस्या होती रहती है कि ये मोटे हो जाते हैं। कई बार ये लोग में बताते रहते कि भाई यार मोटा हो गया, पतला कैसे हूँ, पतला कैसे। तो रितेश भाई आपको एक बात बताता हूँ कि भाई आपके समस्या हो जाती है मोटा हो जाता, मोटा हो जाता, मतलब आप कि पतला कैसे होना, और मेरे समस्या मुझे लगता है कि मुझे मोटा होना, मोटा होना। अरे like, तो मेरे को लोग बोलते हैं कि पतला है, मतलब पतला है। तो एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि यार अपने को ना जब जैसे अपन है ना वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी चाहत है कि मैं आपके जितना हो जाऊँ, इतना भी मत हो जाना ऐसे सच में भाई, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं कोई कभी मिठाई वगैरह खाता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ कुछ फास्ट फूड दिख गया, अरे यार ये तो खा ही ना सकते। अभी कहीं पतले आदमी का ये सबसे बड़ा, अरे लेके आओ यार, ये समस्या आज तक मुझे खाने पीने में नहीं, कभी ये मत खाओ, खाओ जितना मर्जी खाओ। ये बात ये मेरे साथ बोलता था, कोटा के अंदर मैं गया, इतना बढ़िया वो रेस्टोरेंट के अंदर खाना था, वीडियो देखा होगा तुमने खाना, हाँ देखा। तो वो क्या कि मेरा मन कर रहा है कि भाई ये और मंगवा ले, ये रोटियां और मंगवा ले, ये कुछ और मंगा ले, मिठाई और खा लो, लेकिन वो वहां पे कंट्रोल करना पड़ता है अपने दिल से कि भाई इतना ही हो पाएगा, पेट बोलेगा फिर रनिंग करो, ये करो, पैर दर्द, शरीर दर्द। तो भाई जिनको मोटापे की समस्या है वो रितेश भाई की तरह कंट्रोल करना सीखे, तभी आप ऐसे फिट रह पाओगे, और फिर भी फिट ना रह पाओगे। हाँ वरना नहीं रह पाओगे, बाकी फिट ना रहोगे तो इनकी तरफ ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, ये बात है।
तो बाकी भाई की ब्लॉगिंग आप देखो, जाओ चैनल में देखो, मजा आ जाएगा। भाई साहब मेरा तो मतलब रंग ही उड़ा हुआ चेहरे का, क्योंकि बहुत बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी मैं भाई से मिलने आया। और रितेश भाई की एक बात बताता हूँ कि अभी इनके ना समथिंग 3 या 4 वीडियो वायरल हुए थे। तो अभी वायरल होने में क्या है ना, थोड़ा सा मतलब ये जज नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं है सब कि वायरल हो गया। वायरल तो वो होते हैं कि भाई जो मेहनत भी ना करे और ऐसे चल जाए, वो वायरल होते हैं। तो इनकी इनके लिए वो वायरल नहीं बोल सकते, इनको वो मिला है कि भाई फल मिला है उनकी मेहनत का। क्योंकि आप जाके चैनल पे देखोगे तो एक पाकिस्तान के ब्लॉगर हैं, उनके साथ इनका एक वीडियो है, 2 लाख हो गए ऊपर, कितने 2 लाख तो 2 लाख व्यू है उस पर। तो कहने को तो ये है कि भाई हाँ भाई का वीडियो वायरल हो गया, वायरल नहीं हुआ एक्चुअल में। आप पीछे जाके मेहनत देखना कि भाई ने उस इंसान से मिलने के लिए कितनी कोशिश की है, तब पता लगेगा कि भाई ऐसे ही नहीं वायरल होता। ठीक है, तो बाइक लेके कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है कि भाई अभी यहाँ आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा, मतलब पूरे जयपुर के इसने चक्कर काट लिए रितेश भाई ने, तब जाके वो अदनान भाई मिले। मतलब तो इसको आप वायरल नहीं कह सकते, ये उनकी मेहनत का फल था। और इसके बाद इनके 1-2 वीडियो चल गए अपने गौरव तनेजा फ्लाइंग विस्ट, इनके साथ 2 वीडियो इनके बढ़िया चल रहे हैं, 1 पे 1 लाख, 1 पे 60,000 व्यूज है। तो उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई वायरल हो गया, क्योंकि भाई की आप मेहनत देखोगे, गौरव तनेजा भाई से 250 किलोमीटर दूर है, फिर भी बंदा बाइक लेके निकलता है और 400 किलोमीटर पे झालावाड़ से आगे जाके मिले उनसे। हाँ, उनसे मतलब झालावाड़ जाके बंदा मिल के आ गया। सोचो उनकी लोकेशन देखना, उनकी स्टोरी देख रहा बंदा, फोन आगे बाइक पे देख रहा कि कुछ स्टोरी लगा दे, मतलब इस लेवल पे बंदे ने मतलब उनका पीछा किया और मिल के आया, तब जाके ये व्यू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे। तो इसको वायरल नहीं कह सकते, ये मेहनत का फल था। तो मिला इनको मेहनत का फल। और चैनल पे जाके देखोगे तो यार पता लगेगा कि मतलब सब सारी मेहनत का फल भी नहीं मिला है, मतलब पीछे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। क्यों रितेश भाई? भाई जितना मिल रहा है उतना बहुत होता है। अच्छा, और तो लेकिन ये तलब रहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चले। हाँ, क्यों, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम चाहते हैं कि एक वीडियो बनाने, 1 मिनट का वीडियो बनता है, कोई भी यूट्यूबर होता है उसके पीछे 1 मिनट का जो आप वीडियो देख रहे होते ना, उसके पीछे कभी आना जाना, वीडियो सब टाइम मिला के 1 घंटे की मेहनत से 1 मिनट बनता है। भाई ये भी तुम देखो कि तो आप चले 5 घंटे वहां से यहाँ आए, फिर आप कॉलेज गए, कॉलेज से आए, फिर यहाँ आए, यहाँ से जाओगे, आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, 15 घंटों में 15 मिनट का वीडियो बन रहा है। तो वो एक मेहनत बहुत होती है, उसके बाद में हम ट्राई करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाए, कर पाए, और उसके बाद में वो नहीं चलते तो दर्द बहुत होता है। जैसे मेरी जो आज वीडियो अपलोड हुई थी वो इतनी कोई खास नहीं चली, लेकिन भाई तुमने आज वाली वीडियो देखना, वो मतलब 20 मिनट की तुमने वीडियो बनाई है। सुबह निकला हूँ मैं 11 बजे 10 बजे निकला हूँ और रात के 9-10 बजे तक की वीडियो है और भाई व्यूज नहीं आ रहा। लेकिन सेटिस्फाई कि मतलब करना ही नहीं चाहिए कभी, खुद को सेटिस्फाई मत करो कभी, खुद के अंदर ये रखो कि भाई आगे जाना है तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर ये मान लिया ना कि यार यहाँ तक हो गया अब बस, तो भाई फिर तो खेल कोई मजा ना है। मतलब खुद के अंदर एक थोड़ी सी प्यास रखो, इंसान को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगनी चाहिए सक्सेस की, और सही तरीके से लगनी चाहिए, कोई गलत चीज़ ना हो। और भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम इनके भाई के जो मेरे को तो इनका तो सबसे बढ़िया लगा वो टीचर वाला, और उसको देख के ना भाई मेरे को पता है मैं बताता हूँ क्या हुआ, कि वो टीचर वाला भाई को जब मैंने देखा ना कि टीचर जैसे स्कूल के अंदर गए, वो क्लास वगैरह ले रहे थे, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, तो पहली बार मेरे अंदर आया कि भाई टीचर एक अच्छा प्रोफेशन है और मैं भी टीचर बन सकता हूँ। मेरे को था कि या तो मैं बीएड कर लूँगा और वरना मैं कहीं आसपास के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जाके पढ़ाऊँगा। भाई क्या ही मजा दिला रहे हैं ब्लॉग्स के अंदर, तो और बिलीव नहीं हो रहा कि भाई से एक मैक्सिमम कितनी 2-4 मिनट की मुलाकात रही होगी मैक्सिमम, और उसके बाद में हम आज मिले हैं, भाई मिलने आए, क्या ही खुशी हो रही है। और अभी थोड़ा सा जाएंगे, बाहर जाएंगे भाई के साथ, और भाई इस कैमरे में ना कुछ ज़्यादा हैंडसम ना आ रहा मैं। हो भाई हैंडसम है यार, रो लेंगे। नहीं है तो पता लेकिन आज रो रहे हैं, आज तो आ रहे हैं। और भाई की वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, भाई की वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लग रही है भाई। और आप सबको हम दोनों की तरफ से प्यार, भगवान आपको लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे, हम सबको दे, आप सबको दे। भाई की जो आज जर्नी है बस से ट्रेन से, वो भगवान इनकी बहुत ही मंगलमय करे, शुभ करे।
और भाई जिस काम के लिए वो हो जाए और ये वीडियो वायरल हो जाए। अब रितेश भाई वीडियो में आ गए तो वायरल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सब की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाई साहब बस यही था कि समटाइम्स कुछ ऐसे लोग मिलते हैं अपने लाइफ में, बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन अपने का फिर मन करता है कि यार इस इंसान से वापस मिल के आना, तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने कहा चलो यार रितेश से मिल के आएंगे, तो आगे तो देखो प्यार मोहब्बत बनाए रखो सब एक दूसरे के साथ, मैं तो यही कहूँगा और कुछ नहीं। बाकी इंसान अच्छे इंसान मिलते नहीं है आसानी से, तो बस मिलते रहा करो। इसलिए मैं आखिर में हर बार मेरे वीडियो में एक ही बात कहता हूँ भाई, यार आज एक और बात सच साबित हो गई। मतलब मेरी एक ना आदत है कि भाई मैं वीडियो में एंड में हमेशा कहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय सी यू सून। मतलब एक सी यू सून क्यों जड़ा कि मेरी आदत, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान से कभी कॉन्टेक्ट होना तो उससे मिलना है, इस दोबारा सी यू सून मतलब हर बार। और एक्चुअल में मैं एक दो बार किसी और से मिला हूँ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनसे मिल सकता हूँ, तो आज ये एक और इंसिडेंट हो गया सच में। मतलब ये सी यू सून वाला देख लो, मैंने कुछ एक वीडियो में पहले बताया भी था कि मैंने क्यों छोड़ा, आप बोलते भी हो तो मेरा जैसे नमस्कार सलाम वाला हाँ। वीडियो वाला रहता है तो ये सी यू सून वाला आज फिर से साबित हो गया कि भाई सच में अगर इंसान चाहे ना तो मिल सकता है। तो देख लो रितेश भाई मिल गया, तो बहुत लोगों से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई रितेश अभी जो आएगा ना बंदा सबसे मिलेंगे। तो बस ये था वीडियो, बाकी थोड़ा अभी बाहर जाएंगे फिर एंड करेंगे, अभी कमरे में एंड नहीं करेंगे भाई।